नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम संक्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सारे लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। आज का सेशन काफी बेहतरीन और शानदार सेशन होने वाला है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे और आपको दो तीन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना ज्यादा आप करेंगे, जो 2018 में लोको पायलट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में जो लोको पायलट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आने की संभावना है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक एक प्रश्न को हम लोग प्रॉपरली करते हैं और देखते हैं शानदार तरीके से। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला सवाल हमारा क्या है ये जरा हम लोग देखेंगे। आज का पहला सवाल कहते हैं, मानव शरीर का एकमात्र पुनर्विकसित और पुनर्सृजित हो सकता, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो पुनर्विकसित और पुनर्सृजित हो सकता, पुनर्विकसित और पुनर्सृजित हो सकता है। उसमें आपका स्प्लीन होगा, ब्रेन है, लिवर है या पेनक्रियास है। पुनर्विकसित या पुनर्सृजित हो सकता है, मानव शरीर का एक अंग है जो पुनर्विकसित और पुनर्सृजित हो सकता है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चे, वो आपका लीवर इज अ राइट आंसर। लीवर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लीवर। क्योंकि लीवर जो है, अगर 99% भी खराब हो जाता है लीवर, 99% भी अगर आपका लीवर खराब हो जाता है तो रिपेयरिंग होने की जो संभावनाएं हैं ये खूब ज्यादा है। 99% लीवर सिरोसिस, अगर लीवर आपका 99% भी खराब हो जाता है तो इसकी रिपेयरिंग होने की संभावना खूब सारा। पहला एक बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जैसे ब्रेन अंदर अगर एक बार डैमेज हो गया तो ये रिपेयरिंग नहीं होता है, इसलिए कहते हैं आपको हेलमेट लगाकर चलिए सड़कों पर। सड़कों पर आप हेलमेट पहनकर चलिए बच्चे, बात समझ में आ रहा है। तो लीवर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, किसी स्थिर वस्तु में स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसके गति में रहने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, वेग, संवेग, बल या जड़त्व। हमने क्या बोला है, छोटा सा प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु को स्थिर रहने, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेग, संवेग, बल या जड़त्व। तो जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा, जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहना चाहता है, जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहता है, जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहता है। इसे हम लोग कहते हैं जड़त, जड़ता। और द्रव्यमान बढ़ने से जड़ता बढ़ता है, जो वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा ही हो, द्रव्यमान बढ़ने से जड़त्व बढ़ता है बच्चे। द्रव्यमान अगर बढ़ेगा, ज्यादा बड़ा ट्रक है उसका जड़त्व ज्यादा हो। अब ये बल कौन सी राशि आपको पता है, बल जो है बच्चे एक सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा यहां दोनों देखने को मिलता है सदिश राशि। दूसरा बात, मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया है कि न्यूटन के सेकंड लॉ से बल का सूत्र मिलता है एफ इक्वल टू एम ए, इसका मात्रक जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। इसकी डायमेंशन क्या है, मास है, लेंथ एंड टाइम एम एल टी माइनस टू, ये इसका बीमा है बच्चे। तो बल एक सदिश राशि है और भार और बल का मात्रक और बीमा समान होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भार और बल की मात्रक और बीमा जो होता है वो बिल्कुल समान होता है, इक्वल होता है। वेग कौन सी राशि है बताओ कमेंट में, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि या दिशा। मैंने क्वेश्चंस क्या पूछा है, वेग जो है वो कौन सी राशि है, वेग भी है सदिश राशि, सदिश है बच्चे। चाल और वेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है, याद रखना। चाल और वेग का मात्रक और बीमा बिल्कुल समान होता है, चाल और वेग का। संवेग कौन सी राशि है, संवेग भी जो है यह सदिश राशि। आवेग और संवेग का मात्रक और बीमा समान होता है, आवेग और संवेग, ये याद रखना होगा आप कि चाल और वेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है, आवेग और संवेग का। ये क्वेश्चन खूब पूछता है रेलवे, संवेग बराबर जो होता है, संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग,
द्रव्यमान गुना वेग, आप पढ़ते होंगे पी स्कल टू एम भी, पी स्कल टू एम भी, संवेग बराबर आपका द्रव्यमान गुना वेग होता है। इसका मात्रक क्या होगा, के जी मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन क्या होगा, मास लेंथ एंड टाइम। इस तरह से मास लेंथ एंड टाइम, इस तरह से आपको एक एक चीज बच्चे ध्यान में रखना होगा। प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको सारा चीज समझना है। पी स्कल टू एम भी, ओके। एक बार सभी लोग थोड़ा सेशन को आज शेयर कर दीजिएगा जबरदस्त तरीके से, आज मजा आएगा। पूरा शानदार और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, और अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं। बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, बैटरी की जो क्षमता है, कहते हैं बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में, वोल्टेज में, बैटरी के भार में, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट के आयतन पर। बैटरी की क्षमता पूछा है बच्चे, किसकी क्षमता पूछा है, बैटरी की क्षमता। तो बैटरी की जो क्षमता है, किसकी क्षमता, बैटरी की जो क्षमता है वो किसमें, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, बैटरी की जो क्षमता है, तबीयत क्या है ना सर, उसको जितना आराम दीजिएगा वो उतना खराब होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का दोनों को मैनेज कर कर चलना पड़ता है। तो बैटरी की क्षमता हमने पूछा है बच्चे आपसे, बैटरी की क्षमता, कहते हैं 10 वोल्ट का बैटरी है, 50 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाला सवाल है, इसको छोड़िए। एक प्रकाश की एलईडी निम्न में से बनाया जा सकता है, एलईडी लाइट जो है वो किससे बनाया जाता है, एलईडी लाइट, ऐसा ये भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है नॉर्मली। वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होगा, तो 8 GB का रैम होगा ज्यादा प्रोसेसिंग समय, तो 64 बीट वाला जो होगा ये प्रोसेसिंग समय कम लेगा, बात समझ रहे हो, जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना कम समय लेगा। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, कंप्यूटर का ही प्रश्न था, जैसे आप देख रहे हैं 1 BKB MB TB। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, एक प्रकाश उत्सर्जी डायोड एलईडी निम्नलिखित में किससे बनाया जाता है, एलईडी सिलिकॉन से या फॉस्फोरेंट पदार्थ से, तो एलईडी जो बनाते हैं वो फॉस्फोरेंट पदार्थ से बनाया जाता है, एलईडी किससे बनाया जाता है, फॉस्फोरेंट पदार्थ से, किससे, फॉस्फोरेंट पदार्थ से एलईडी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब बहुत सारे शैवाल, कवक और शैवाल का नाम सुने हो, जलाशय में, हमने क्या बोला है, जलाशय में अचानक उग जाते हैं, जलाशय में जो आपके गांव सब में जलाशय आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारा जब शैवाल जमा हो जाता है, उस शैवाल के फलना किसका कारण, वो शैवाल किसके कारण से होता है, रीजन लिखा गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, दूसरा रीजन लिखा है खेतों के कीटनाशक इसमें बहकर आ जाते हैं, उर्वरक खेतों से इसमें बहकर आ जाते हैं, या ओजोन छिद्र के कारण। तो आपके वहां पे हमने जो बताया पानी का तालाब है उसमें शैवाल जमा हो जाते हैं, वो पूछा है सर बच्चे किसके कारण, इसका रीजन क्या है आप बता सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि आप जब खेतों में क्या देते हैं, उर्वरक देते हैं, और बाढ़ वाड़ आ जाता है, पानी आ जाता है, तो वो पानी क्या होता है, जलाशय में जाता है, तो उर्वरक वाली जो पानी होती है वो जलाशय में जाता है, और क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर, उर्वरक जलाशय में पहुंच जाता है, जो हम खेत में उर्वरक देते हैं वो जलाशय में पहुंच जाता है, और जलाशय में शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर, ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है, पूछा निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, पूछा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, बच्चे बॉर्डर लाइन एलिमेंट किसे कहा जाता है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट जो है किसे कहा जाता है, यही तो बता दो कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहा किसे जाता है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट, तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट किसे कहा जाता है, धातु और अधातु के बीच में। देखो यहां पे आपको एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा बच्चे, पीरियोडिक टेबल को दो भागों में बांटा गया है, ऐसे इसमें तीन चीज है, टोटल 118 तत्व है, 118, इसमें आपका मेटल है, धातु है, अधातु है, और उपधातु, उपधातु समझते हैं, बीच वाला, ट्रेन वाला जेंडर, एक महिला, एक पुरुष, एक बीच वाला जेंडर, बीच वाला जेंडर समझ रहे हो, ट्रेन में मिला होगा कभी ना कभी आप,
तो यहाँ पे आपको समझना है ये जो सिलिकन है ये सात उपधातु होते हैं बच्चे, इसी को बॉर्डर लाइन एलिमेंट, ये बॉर्डर लाइन इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर लाइन जो है ये धातु और धातु दोनों को अलग करता है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को अलग करने का जो काम करता है वो बॉर्डर लाइन एलिमेंट करता है। कौन करता है बच्चे? बॉर्डर लाइन एलिमेंट, और इसे उपधातु कहा जाता है। तो यहां पर पूछा है कौन सा बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है, तो बिस्मथ जो है, ये बिस्मथ जो है ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है, बाकी ये पोलोनियम उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, बोरॉन उपधातु। आज से बॉर्डर लाइन एलिमेंट का मतलब है उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपका मेटल है और राइट साइड में नॉन मेटल है, और बीच में आपका ग्रीन कलर वाला जो है उपधातु है। उपधातु क्या करता है? धातु और अधातु को अलग करने का काम करता है, इसीलिए हम इसे बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? बॉर्डर लाइन एलिमेंट। और इसकी संख्या सात होती है, सात उपधातु आपको पता है। इज इट क्लियर? कोई समस्या? एक एक प्रश्न को देखो, रुको, समझो, फिर अगले प्रश्न में चलेंगे, ठीक है? बात समझ रहे हैं? अब यहां पे धातुओं की संख्या कितना होता है? 91 मेटल होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो 91 होते हैं। नॉन मेटल की संख्या कितना होता है बच्चा? अब देखो नॉन मेटल, ये येलो कलर वाला जो है नॉन मेटल, तो आपने उपधातु को देखा होगा। अगले क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। एक क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरिए। सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो पिच है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, आयाम पर, लय पर या तरंग दैर्ध्य पर? तो हमने क्या पूछा? ध्वनि की पिच पूछा है। ध्वनि की पिच पूछा है किस पर निर्भर करता है? पर सेकंड कंपन को आवृत्ति कहा जाता है। यह है सर तरंग, इसकी गहराई या ऊंचाई को आयाम कहा जाता है। ये जो ऊंचाई है, दिस इज कॉल्ड द आयाम, गहराई या ऊंचाई, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। वेवलेंथ, दो तरंगों की श्रृंगों के बीच की दूरी को ये आपका वेवलेंथ कहलाता है। तो यहां पे आंसर जल्दी से बताइए ना। हमने पूछा ध्वनि का पिच किसके ऊपर निर्भर करता है? ध्वनि का पिच किसके ऊपर निर्भर करता है? लय के, तरंग दैर्ध्य के ऊपर, आयाम के ऊपर या आवृत्ति के ऊपर? फ्रीक्वेंसी पर सेकंड कंपन, एक सेकंड में कितनी बार, एन आवृत्ति, एन इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एन इक्वल टू 1/T। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी आप बताइए। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर, एक सिंपल सा सवाल होता है, इसको भी आप लोग गलत करते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल, आयाम का एसआई मात्र क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का भी एसआई मात्र क्या होता है? मीटर। देखो एक बार समझो, वेव को समझो, ये जो है ना वेव है, ये क्या है? वेव। अब इसमें कुछ कुछ होता है, ये वेव है सर। अब इस वेव में क्या होता है? कुछ कुछ होता है। क्या क्या होता है? क्या देखो, इसमें पहला चीज होता है एक आयाम, ये श्रृंग है ऊपर वाला भाग इसकी, या गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द आयाम, ये आपका आयाम कहला, सॉरी इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहा जाता है, आयाम। एम्पलीट्यूड, अंग्रेजी में कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको भी मीटर। दो श्रृंगों की, ये श्रृंग और ये श्रृंग के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। ज्यादा तेज बोलिएगा वेवलेंथ छोटा होगा, धीरे बोलिएगा वेवलेंथ बड़ा होता है। जब बहुत प्यार से आप बात करते हैं तो वेवलेंथ आपका बड़ा होता है, जो स्लो होता है उसका वेवलेंथ बड़ा होता है। ऐसे धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो समय वेवलेंथ क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है? ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो यहां पूछा है ध्वनि की पिच जो है इसके आवृत्ति, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति, आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? पूछा है निम्नलिखित में कौन सा परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी पौधा, परजीवी पौधा समझ में आता है कि नहीं? परजीवी पौधा मतलब दूसरे जीव, बहुत सारे बच्चे भी परजीवी अभी तक अपने पापा मम्मी पर निर्भर है। तो परजीवी पौधा पूछा है, जू होगा, ब्रायोफाइलम होगा, कस्क्यूटा होगा या मलेरिया का परजीवी, परजीवी पौधा पूछा है, जानवर मत बता देना, परजीवी पौधा पूछा गया है।
कस्क्यूट जो होता है ना, ये परजीवी पौधा होता है। आपने देखा होगा झाड़ियों में अमरबेल जैसा जो कहते हैं, ये आपने देखा है कि नहीं देखा? ये परजीवी पौधा है बच्चे, ये क्या है? परजीवी पौधा है। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा डी इज द राइट आंसर। डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। सी नहीं होगा, ब्रायोफाइलम परजीवी पौधा नहीं। ये आपने देखा है, कितने लोगों ने देखा होगा, ये अमरबेल येलो येलो कलर का होता है, ये पौधे के ऊपर होता है, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल चलते, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? सपास, बेहतरीन प्रश्न। चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला, कूलम, वेबर, एम्पियर टर्न। चुंबकीय फ्लक्स का पूछा है बच्चे, क्या पूछा है सवाल? निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछा है। सर यह हमारे यहां बहुत होता है, सब्जी बनाइए। बस समझ में आ रहा है, सब्जी बनाइए। तो हमने पूछा है टेस्ला होगा, कूलम, चुंबकीय फ्लक्स का। अरे भैया हम समझ गए तुम्हारे यहां होता है, भेज देंगे बहुत सारे बच्चे को। तो मैग्नेटिक डेंसिटी का जो होता है वो टेस्ला होता है, मैग्नेटिक डेंसिटी या चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज का आवेश का ऐसा मात्र कूलम, आवेश का ऐसा मात्र कूलम। अब यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर। ये तीनों कम से कम आपको याद रहना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, वेपर। चुंबकीय फ्लक्स का जो इकाई होगा वो होगा वेपर, चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक डेंसिटी का अगर पूछेगा तो टेस्ला होता है, मैग्नेटिक डेंसिटी का टेस्ला होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आपने पढ़ा होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है बच्चे वो होता है कूलम, विद्युत आवेश का। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला सवाल क्या? मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? मनुष्य में जो श्वसन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, मेलालिन, रोडोस्पिन, हीमोग्लोबिन। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट बताओ, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट का नाम आप लोगों ने शेयर नहीं किया आज, एक बार सभी लोग शेयर कर दो फटाफट। बात समझ में आ रहा है? और डेली हमारी क्लास 11 बजे होता है। अगर आप रेलवे का एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, सारे प्रश्न एनसीईआरटी आधारित करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन 11 बजे वाली क्लास में जुड़ जाइए। 11 बजे वाले इसमें कितने लोग हैं जो डेली 11 बजे क्लास करते हैं प्रत्येक दिन इसी चैनल पर? तो हमने पूछा मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट, डी नंबर, मेलानिन, हीमोग्लोबिन, बिल्कुल करेक्ट। मनुष्य में जो पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के आदमी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रहा है? अलग अलग चीजों में जो है वो श्वसन पिगमेंट जो है अलग अलग होता है। आदमी में आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल क्या? जैसे ब्लड को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, पूरे शरीर को जोड़ता है और जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई भी करता है। आरपीएफ का नोटिफिकेशन का जो एक्सपेक्टेड, मतलब आप समझ लो अभी ना रेलवे लोको पायलट की भी ट्रेनिंग चल रही है, नए वाले जो 2018 में हुए थे ना, बहुत लोगों को बुलाया गया था भी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगा तुम्हारी बहाली निकाल दी जाएगी, मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अभी इंडिया का सारा ट्रेनिंग सेंटर फुल चल रहा है, लोको पायलट की ट्रेनिंग चल रही है। आपका कोई सीनियर दोस्त होगा पूछना, बोलेगा मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं अभी, तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। वो 6 महीने की ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगी बस तुम्हारा नंबर आ जाएगा वैकेंसी का, और वैकेंसी आने के बाद समय नहीं मिलेगा, फिर कोरोना नहीं आएगा कि तुम 3 साल इंतजार करोगे। तैयारी करके रखो, ट्रेड की क्लास भी चल रही है एप्लीकेशन पर। तो मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा काम किया जाता है? मनुष्य में एक उत्तक पाया जाता है प्लेसेंटा उत्तक, तो प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा हमने क्या बोला है कि मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक, तो प्लेसेंटा उत्तक जो है ये बता दो, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। चलिए, बहुत सारे बच्चों, भ्रूण को पोषण प्रदान करना,
भ्रूण के अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है, कौन है सिकंदर। प्लेसेंटा उत्तक का बड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं सर इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग का बी आया, एक ने बी मारा, पूरे ने बी ही मार दिया, मतलब उसी लाइन से गुजरेंगे सर। अगर उसका गलत हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, वो जाएगा तो मैं भी जाऊं। अब एक ने मनाया, क्या नाम है, तो मनुष्य में पाए जाने वाला जो प्लेसेंटा उत्तक है उसका आंसर होगा सी नंबर। अभी मैं समझा रहा हूं, भ्रूण के अपशिष्ट को बाहर भी निकालता है प्लेसेंटा, और भ्रूण के अपशिष्ट को बाहर और भ्रूण को पोषण भी प्रदान कराता है। देखो प्लेसेंटा उत्तक, प्लेसेंटा के बारे में अपने बच्चे जब पलते हैं गर्भ में तो एक गर्भनाल, इसको प्लेसेंटा एक ये है प्लेसेंटा, ये आपने देख नाभि, इससे क्या होता है, इसको मां के शरीर से भोजन भी प्राप्त होता है और इसके शरीर में जो अपशिष्ट, ऐसा नहीं ये टॉयलेट चले जाता है, अपशिष्ट भी बाहर निकालने का, तो दोनों प्लेसेंटा उत्तक का दोनों काम है। प्लेस ये है कार्विक्स, प्लेसेंटा उत्तक का दोनों काम है, जो बच्चा पल रहा है, जो भ्रूण पल रहा है उसको पोषण भी देता है और इसके शरीर में जो अपशिष्ट है उसको भी बाहर निकालता है, ये दोनों काम है प्लेसेंटा उत्तक का। समझ में आया, मजा आ रहा है, एक एक चीजों को समझिएगा। हमारे क्लास में जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे सब एग्जाम में याद रहेगा, एक एक सवाल तुमको एग्जाम में याद रहेगा। तो प्लेसेंटा उत्तक हमने बता दिया है, प्लेसेंटा उत्तक का काम क्या, क्या क्या करता है, भ्रूण के अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये काम है बच्चे प्लेसेंटा उत्तक का। किसका काम है, प्लेसेंटा उत्तक का काम है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो अगले प्रश्न को देखो, देखना यहां पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जरा ध्यान से देख, मैं कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके लवण मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, या हैलोजन समूह से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। हैलोजन, हैलोजन समूह पता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ो, पढ़े हो नहीं, एप्पल ट्रेड की क्लास चल रही है, फीटर ट्रेड मस्त क्लास चल रहा है, एक नंबर तैयारी चल रहा है। तो हमने क्या पूछा है आपसे कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम में से कौन सा तत्व है महत्वपूर्ण है, जो हैलोजन ग्रुप से, हैलोजन ग्रुप किसको कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा साहब, पीरियोडिक टेबल का जो 17 ग्रुप है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है, इसको हम लोग 17 ग्रुप कहते हैं, कहते कि नहीं, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह, 17 समूह को हम लोग हैलोजन समूह कहते हैं, कहते हैं ना, इनर्ट गैस वाला ग्रुप। पहला ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल का, दूसरा ग्रुप जो होता है अल्कली अर्थ मेटल, टोटल 18 ग्रुप, कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है, अलग अलग कंपनी की ग्रुपे हैं। यहाँ पे ये है अल्कली मेटल का, अल्कली मेटल ए मेटल, अल्कली अर्थ मेटल दूसरे ग्रुप को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन का परिवार, और हैलोजन ग्रुप आइनर्ट गैस। हैलोजन ग्रुप में अब देखो यहाँ, तो हैलोजन ग्रुप में क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पे पूछा है कि ये जा सकते हैं और इसे हैलोजन समूह से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो ब्रोमीन आपका हैलोजन में, ब्रोमीन आपका हैलोजन, ब्रोमीन आपका देख रहे हैं यहां आपका क्या है, एफ फॉर, सर ये चुनाव जीत कर आया है, नाम लेंगे, बिल्कुल नाम लेंगे सर। तो यहां क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम में कौन से तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लवण मनुष्यों के लिए काफी उपयोगी होते हैं और यह हैलोजन समूह से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जल्दी से आप बताइए, बहुत लोगों का आया है फ्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों आपको हैलोजन ग्रुप में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका ए इज द राइट आंसर। कैल्शियम आपका नहीं पाया जाता हैलोजन, कैल्शियम नहीं पाया जाता, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, तो हैलोजन ग्रुप में ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैग्नेटिक टेप क्या है, मैग्नेटिक टेप एक सवाल पूछा है, मैग्नेटिक टेप एक आपने सुना होगा रैम का, 8 GB रैम है हमारे मोबाइल में,
रेंडम एक्सेस मेमोरी, अगर गाना बज रहा है बंद हो गया लाइन कट गया फिर से। लेकिन मैग्नेटिक टेप क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, आ गया है, कोई बात नहीं। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये वाला कैसेट देखे थे कि नहीं, जहां से गाना बंद होता था और लाइन कट गया फिर शुरू से स्टार्ट होता था, होता था ना, अगर याद होगा तो। इसको कहा जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। एक होता था रेंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम आजकल वॉशिंग मशीन में भी लगा दिया जाता है। अगर वॉशिंग मशीन आपका 3 बार घूम गया, लाइन कट गया, लाइन आने के बाद अगर उसको 4 बार घूमना था तो एक ही बार घूमेगा, काहे कि उसके अंदर रैम लगा हुआ, खोपड़ी है, दिमाग है कि 3 बार पहले घूम चुके थे। चलो शेयर तुम लोग मारते नहीं हो सर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें? पूछा, एक बीमारी हमेशा जो है जीवाणु उपचार डॉक्टर या एक कारण होता है, बीमारी किसी न किसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, ये सिंपल सा सवाल था। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए, बड़ा अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हमने क्या बोला है जरा ध्यान से समझिए, हमने ये बोला है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंबन ऐसा बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में पहले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, तो आवासीय और छोटा आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का, वास्तविक और समान आकार का। देखते ही कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बता दो एक बार, ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में एक बार पूछ ही देता है। अगर ये सब क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो तुम्हें बेसिक बातें सीखने की जरूरत है। सी नंबर, शाबाश मेरे से। वास्तविक और समान आकार का, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है। अगर वक्रता केंद्र पर होगा वस्तु, वक्रता केंद्र पर होगा, सी पर होगा, तो वास्तविक और समान आकार का, जितना आकार का वस्तु उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनता है अगर वक्रता केंद्र पर पाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में चलते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित कर दिया? आफ्टर डाइजेशन जो है, पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, अमीनो अम्ल में, वसायुक्त अम्ल में। आफ्टर डाइजेशन, भोजन पचने के बाद, भोजन पचने के बाद आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें परिवर्तित हो रहा है? यहां पे आपका ग्लाइकोजन होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड की या फैटी एसिड की, किसकी बात? यहां पे आपका ग्लूकोज करेक्ट आंसर आया है। बहुत लोगों का ग्लाइकोजन आया, बहुत लोगों का ग्लूकोज होगा, तो देख यहां पे ग्लूकोज एक राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। दूसरी बात क्या है? एक बच्चा ने अमीनो अम्ल, देखो ज्यादातर चीजों का जो पाचन, ये भी पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन, पाचन जो है वो कहाँ होता है, एक सवाल ये भी है। बस समझ में आ रहा? तो छोटी आंत आप देख रहे हैं, ये छोटी आंत है सर, पूरे आहार नाल की जो लंबाई है या पूरा मुख से लेकर एनस तक, ये पूरा आहार नाल, ये पूरा 9 मीटर लंबी होती है आहार, पूरे आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है, 9 मीटर। और ज्यादातर पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत, ये भी एक सवाल है काफी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में, फैट का पाचन छोटी आंत में, विटामिन का पाचन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, सबका पाचन लगभग 99% चीजों का पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। और 7 मीटर लंबी सिर्फ छोटी आंत, और पूरे आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है, तो ज्यादातर चीजों का जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में। याद रहेगा आपसे, कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है विटामिन ए का पाचन कहाँ होता है, अब छोटी आंत में होता है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कुछ पूछ दे छोटी आंत टिक लगा, 99% चीजों में छोटी आंत ही आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है? चले आगे, कोई दिक्कत
कोई समस्या, सवाल को थोड़ा रुको, देखो, ठहरो, समझो, फिर अगले प्रश्न में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक, जडन, जिंक के एटॉमिक नंबर 30 होता है, परमाणु संख्या जो है 30 होता है, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अम्ल और क्षार दोनों का गुण उसमें पाए जाते हैं, जिंक में और एल्यूमिनियम। बात समझ, हमने क्या बोला है, जिंक जो है, जिंक का रिसोर्स क्या है, जिंक कहां से प्राप्त होता है, जिंक बताओ। अब बोलेगा दूध, बैगन, अष्टभुज, यहां पे होगा अष्टभुज, जो दलहन चीजें हैं, राजमा, मूंग, चना, ये सब चीजों से आपको जिंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको? जिंक। आप जब रोते हैं, आपके आंख से जो आंसू निकलता है उसमें भी जिंक होता है, जिंक, जड़न। जिंक क्या है? एक धातु। जिंक के बारे में क्या क्या जानते हैं आप बताओ? जिंक, जिंक का परमाणु संख्या जो है, इसकी अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 30 होता है, और इसकी नेचर जो होता है एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी प्रकृति का, मात्र दो ही धातु होता है, एक एल्युमिनियम होता है बच्चे, और एक जिंक होता है। बार बार सवाल पूछा जाता है, उभयधर्मी प्रकृति मतलब एसिड एंड बेस दोनों का नेचर पाया जाता है, अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति। आप जो रोते हैं आपके आंसू से भी जिंक बाहर आता है, ब्लैक टॉफी में भी जिंक पाया जाता है, जो आप डेयरी मिल्क और ये वो रोने के बाद देते हैं, चुप हो जाओ, उसमें भी आपका जिंक पाया जाता है। जिंक का और कहां इस्तेमाल करते हैं? पीतल बनाने में कॉपर और जिंक का इस्तेमाल करते हैं, याद होगा, पीतल का कंपोजिशन पढ़े होंगे, कॉपर और जिंक मिलाकर हम लोग पीतल बनाते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, यहां भी जिंक का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आगे चले अगले प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न आपका एनटीपीसी का, यह प्रश्न था आरआरबी एनटीपीसी का, यह सवाल पूछा गया। निम्न कौन सा प्रक्रिया तार खींचने की प्रक्रिया है? तार खींचने की प्रक्रिया, मेटलर्जी आपने पढ़ा होगा ट्रेड में, खूब पढ़ाया मेटलर्जी पढ़ाया, ऐसे धातु विज्ञान, और ऐसे आपने मेटल नॉन मेटल भी पढ़ा होगा। हमने पूछा तार खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तार खींचने की प्रक्रिया, तो तार खींचने की प्रक्रिया को हम लोग टेंसिल कहा जाता है, तन्यता, तन्यता, आघात वर्धता होता है कि धातु का चादर बनाया जा सकता है। आघात वर्धता का मतलब होता है धातु का चादर बनाया जाता है, धातु का चादर समझते हैं, उसको कहते हैं चोट लगने के बाद आघात से बढ़ना, दैट इज कॉल्ड आघात वर्धता। चोट लग रहा है वो बढ़ रहा है, आघात वर्धता कहलाता है। और हमने क्या बोला है बच्चा आपको? टेंसिल, तन्यता, धातु की जितनी तन्यता होगी तार उतना पतला होगा। बात समझ में आ रहा? कौन सा धातु ज्यादा तन्य है? जिसका तार जितना पतला बनाया जा सकता है वो उतना ज्यादा तन्यशील धातु, उसकी तन्यता उतना ही ज्यादा है। सोने की तन्यता सबसे ज्यादा है क्योंकि उससे बहुत पतली तार बनाया जा सकता है। अब लोहा से उतना पतला तार नहीं बना सकता, टूट जाएगा। लोहे में भी तन्यता है, सोने में भी है, लेकिन ज्यादा तन्यता किसका है? जिससे जितना पतला तार बना सकते हैं बच्चे, उसकी तन्यता उतना ही ज्यादा है। समझ में आया? हमने बोला है कि जितनी पतली तार होगी उसकी डक्टिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, अगले प्रश्न में चले, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका क्या है, यह जरा देखते हैं। एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या बतलाता है? एटॉमिक मास क्या? देखो ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, और जब रेलवे का तुम ओरिजिनल पेपर जाते होगे एग्जाम हॉल में, स्टेटमेंट वाला ही सवाल मिलता है, और ये सारे एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए धैर्य रखकर आराम से चीजों को देखिए। और हमारा क्लास प्रत्येक दिन आप विज्ञान की कक्षा कर सकते हैं, अगर आपने ये 3 महीना तक क्लास कर लिया सर, तो आपको रेलवे के एक एक एनसीईआरटी आधारित सारे प्रश्न आपका प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेली डेली कितने लोग हैं इसमें जो 11 बजे क्लास करते हैं, जल्दी से जरा 11 टाइप कीजिएगा कि सर हम लोग डेली 11 बजे वाले हैं, एक बार जल्दी से टाइप करना। तो पूछा एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या बतलाता है? एटॉमिक मास क्या बतलाता है? समस्थानिक C12 के 1/12 तत्व के परमाणु का कितना गुना भारी है, परमाणु का आयतन, समस्थानिक, तो जल्दी से बताओ, इनमें से कोई नहीं, एक बार जल्दी बता दो।
हमने पूछा है एक तत्व का परमाणु एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन 12 को लिया गया, दो कार्बन होते हैं, कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 12 को 12 टुकड़ों में बांटा गया, कितने 12 टुकड़ों, सब तो 11 बजे वाला ही है, तुम लोग तहलका हो तूफान हो सर। तो देखो सुपरमैन इधर देखो, ये कार्बन 12 को सी 12 को लिया गया, किसको लिया गया, सी 12 को, सी 12 को 12 भागों में बांटा गया, कार्बन 14 भी होता है, जीवाश्म का उम्र पता करने में कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन 14 से, सी 12 को 12 भागों में विभाजित किया गया, कितने भागों में, 12 भागों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठ नौ दस ग्यारह और 12, 12 भागों में विभाजित किया, एक टुकड़े का जो वजन हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक यूनिट मास, एएमयू, एटॉमिक एटॉमिक एएमयू, और एक टुकड़े का जो वजन है 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वन एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, वन एएमयू बराबर क्या होता, तो वन एएमयू बराबर एक एएमयू का जो वजन होता है वो होता है 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, अगर केजी में पूछ दे तो 27 kg हो जाए, दैट इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। ओके क्लियर है बच्चे, कार्बन 12 को ही 12 टुकड़े किया था, 1/12 का मतलब क्या होता है, 12 में एक, एक बार 4 का मतलब क्या होता है, 4 में एक, 4 भाग में एक भाग मतलब 25%, तो यहां पे होगा करेक्ट आंसर जो होगा स्टेटमेंट वाला सवाल में, यहां होगा समस्थानिक सी 12 के तत्व के परमाणु की कितना गुना भारी है, ए इज अ करेक्ट, तो एकदम स्टेटमेंट वाला सवाल को ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट वाला सवाल ही सबसे ज्यादा आप एग्जाम में पूछा जाता है, आप एलपी की तैयारी कीजिए, जो आने वाला एनटीपीसी की तैयारी कीजिए, ग्रुप डी की तैयारी कीजिए, किसी की भी तैयारी कीजिए, विज्ञान में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए ना, आपका 90% क्वेश्चन हो जाएगा, और 90% नंबर अगर लाते हैं तो आप टॉप हो सकते हैं उस बोर्ड में, बात समझ में आ रहा है, ऐसे 75-80 आपका कट ऑफ रहेगा, बात समझ में आ रहा है, अगले प्रश्न में चले साहब चलते, बच्चा बोला उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष में वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर से बाहर, शुक्राणु को शरीर से बाहर ले जाने का काम करता है, शुक्राणु को शरीर से बाहर ले जाने का काम, शुक्राणु को शरीर से बाहर, हमने क्या बोला है, शुक्राणु को शरीर से बाहर ले जाने का काम, अब बताइए ना, उसको हम लोग अधिवृषण कहा जाता है या आपका सेमीफियर वाहिनी कहा जाता है, मूत्र वाहिनी कहा जाता है, शुक्रवाहिका का, शुक्राणु को लेकर जा रहा है तो शुक्राणु को बाहर लेकर जा रहा है शुक्रवाहिका, शुक्राणु को बाहर कौन ले जा रहा है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, देख यह टेस्टिस है सर, यहां एक हार्मोन बनता है आपके सर, उस हार्मोन का नाम है टेस्टेरॉन, महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुष में टेस्टेरॉन, पता है ना आपको, याद हो शुक्राणु को लेकर बाहर जाता शुक्रवाहिका, तो डी इज अ करेक्ट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा शुक्रवाहिका, मेरे क्लास में आप 10 ही प्रश्न पढ़ेंगे या 20 प्रश्न ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो एग्जाम में आएगा तो आप एकदम आराम से क्वेश्चन बिना डाउट हुए, और आप जो ये ग्रुपिंग के चक्कर में है ना वो कमी कीजिए, 3-4 घंटा ग्रुपिंग करने से नहीं होगा, थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं सर, एनसीईआरटी किताब पढ़ लीजिए उससे ज्यादा बेहतर, उससे 2-4 को सवाल आता है, आप जो पुस्तक बल का ऐसा है मतलब बताओ, समझ में आ रहा है, किसका किसका यूनिट अंडा मेंशन सेम होता है, जो रटने वाला डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, बस तो ये है शुक्रवाहिका, ये है सर यूरिन ब्लैडर, ये है प्रोटेस्ट ग्लैंड, शरीर में एक प्रोटेस्ट ग्लैंड, पूछता है कहां पाया जाता है, लोकेशन, ग्लैंड का लोकेशन भी पूछता है, तो प्रोटेस्ट ग्लैंड जो होता है वो यूरिन ब्लैडर मूत्राशय के नीचे पाया, यहां पे आपका टॉयलेट स्टोर होता है किडनी से आके, अब फिर टॉयलेट लगता है तो बाहर, ये आपका है शुक्रवाहिका, शुक्राणु को बाहर ले जाता है, ओके क्लियर है, चले आगे बात करें अगले क्वेश्चन में,
जब तक आप आदेश नहीं देंगे तब तक हम अगले क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी का ग्रुपिंग में मतलब चार लड़का बैठ के क्वेश्चन पूछा पूछी करते हैं अपने बिहार में पटना में खूब सारा ऐसा होता है कि चार बच्चे बैठे हैं पांच बच्चे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ बल का ऐसा मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो बेहतरीन है लेकिन वो कम ही कीजिए। अब वो जमाना चले गया चाचा जी वाला कि एसपीडी से और इससे उससे क्वेश्चन रट लिया आ गया लूसेंट से, अब एनसीईआरटी का जमाना है, पहले भी था और आज भी है और रहेगा भी, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन वाला लाइन से पूछे जा रहे हैं अगर रिजल्ट करना है तो। अगले प्रश्न में चलो, वृषण का कौन सा हार्मोन था, वृषण पूछा है, वृषण से कौन सा, जो अकेले बैठा है वो 11 बजे मेरे क्लास में है ना, अकेले तुम कैसे हो, तुम्हारे पास मोबाइल हम है तुम्हारे साथ, 11 बजे रोज मिलते हो तुम्हें बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन रोज कराते, तो वृषण से कौन सा हार्मोन बताओ, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं, वृषण है सर उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वृषण से विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, तो टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन को टी फॉर टेस्टिस, टी फॉर टेस्टेरॉन, तो टेस्टिस से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे टेस्टेरॉन कहते हैं, क्या कहा जाता है टेस्टेरॉन, तो टेस्टिस से हार्मोन स्रावित होने वाले हार्मोन को हम लोग टेस्टेरॉन कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं टेस्टेरॉन कहा जाता है, तो टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन को टेस्टेरॉन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ये आपका टेस्टेरॉन है, महिलाओं में एस्ट्रोजन है पुरुष में टेस्टेरॉन, टेस्टेरॉन की मात्रा कभी कभी देखते हैं कुछ महिलाओं में भी क्या हुआ मूंछ उछ आ गया तो उसमें महिलाओं में टेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं कि महिलाओं में टेस्टेरॉन नहीं पाया जाता, बहुत कम मात्रा, लेकिन पुरुष में जो टेस्टेरॉन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ पे तेरा जो आंसर होगा सर टेस्टेरॉन आपका टेस्टिस से स्रावित होने वाला हार्मोन, वुमेन में एस्ट्रोजन आपको समझ में पूछा, इम्प्लांटेशन एक प्रक्रिया है, इम्प्लांट टी फॉर टेस्टिस टी फॉर टेस्टेरॉन याद रहेगा। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं साहब, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, हंसो मत क्वेश्चन को देखो, इम्प्लांटेशन एक प्रक्रिया है, बहुत अच्छा सवाल पूछे और ऐसे तो हमने पूछा है इम्प्लांटेशन एक किसकी प्रक्रिया है, माता के शरीर के अंदर एक बच्चों का विकास करना, या पूछा है एक गर्भाशय में लाइनिंग की जायगोट का जुड़ना, माता के रक्त में प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण भ्रूण और उसकी पोषण का विकास, इम्प्लांटेशन एक प्रक्रिया बताइएगा, इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस, इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ माता के शरीर के अंदर बच्चों का विकास होना, एक गर्भाशय में लाइनिंग जायगोट का जुड़ना, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, इम्प्लांटेशन, बता सकते हो क्वेश्चन को, तो नहीं बता सकते हो तो सीखो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन पहले जायगोट मिलता है मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और एक जब मिलता है तो जायगोट बनाता है और धीरे धीरे बच्चों का विकास हो रहा है, देख रहे स्टेप ऐसे 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 ऐसे, फिर बेबी बन जाता आने वाले से, तो मैंने पूछा इम्प्लांटेशन क्या है, देखा भ्रूण और इसकी पोषण का विकास, पहला ऑप्शन ये एक ऑप्शन है, दूसरा है माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, या एक गर्भाशय में लाइनिंग जायगोट माता के शरीर के अंदर बच्चों का विकास, तो डी इज अ करेक्ट आंसर, यहां पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भ्रूण का विकास डेवलपमेंट पूछा, आधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है, अधातु का ऑक्साइड पूछा आमतौर पर कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, प्रश्न क्या पूछा है बच्चा आपसे, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसा होता है, अधातु के ऑक्साइड
बता दो एक बार। अधातु के ऑक्साइड, देखो तीन चीज होता है पीरियोडिक टेबल में से, धातु अधातु और उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। धातु जो होता है मतलब लड़का, ये एक ऐसा नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का। अधातु आपका एसिडिक नेचर का होता है, इसका ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर। चल जाओगे ऐसे मारोगे क्षारीय, पर क्षारीय प्रकृति का तो धातु होता है, क्षारीय प्रकृति का, उभयधर्मी प्रकृति का कुछ धातु होता है। उभयधर्मी का मतलब समझते हैं, तो हमने पूछा अधातु के ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति। कभी एक चीज देखा है आपने, आपको चींटी या काट लिया जाता था बचपन में, तो मम्मी क्या करती थी, लोहे का छड़ हाथ में लगाती थी, ऐसा होता था। तो लोहा जो होता है वो धातु है, और धातु आपका किस नेचर का, बेसिक, क्षारीय प्रकृति। और जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता था तो वो न्यूट्रल हो जाता, दर्द थोड़ा कम, बच्चा चुप हो बस। तो धातु जो है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति। धातु आपका बेसिक नेचर का, और अधातु आपका एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, चले हम लोग आगे। एक सवाल है, देखो कितना अच्छा सवाल है, कहता 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, कार्य बताओ। अब सवाल आया तो कहोगे नहीं बनाएंगे, बनाना ही पड़ेगा, बहुत सिंपल और प्यारा सा सवाल, बनाओ सरा। 20 केजी भार वाली एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया, 2 मीटर की ऊंचाई तक, 20 केजी का भार था, 2 मीटर ऊंचाई तक उठा, 20 केजी की भार वाली एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया था, तो वर्क बराबर यहां पर होगा W इक्वल टू, हम जो करेंगे MGH, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, मास ग्रेविटी एंड हाइट। W इक्वल टू FS cos थीटा भी होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर उठा रहा है, तो मास आपका कितना है भैया 20 केजी का, जी का मान 10 है, हाइट आपका 2 मीटर है, तो कर दो गुना भैया, 400 जूल आपका करेक्ट आंसर, 400 जूल सर राइट आंसर। सर एएलपी की वैकेंसी का कुछ पता है आपको, प्लीज बताओ। हमको जितना पता हम कई बार बता दिए हैं, बात समझ में आ रहा है ना, हमको जो जो पता है वो बात तो हमको आपको बता दी। देखिए क्या हुआ था, एक बात पता है, ग्रुप डी में पिछली बार फॉर्म भरा गया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो चुपचाप तैयारी करते रहे, अब क्या हुआ उसका ज्वाइनिंग होने लगा, कुछ ऐसे बच्चे थे सर एग्जाम डेट कब आएगा कब आएगा, रोज एक बार पूछता था, एग्जाम डेट भी आया एग्जाम भी हुआ, पास खाली वो नहीं हुआ। तो वैकेंसी 2 महीना में आया, 3 महीना में आया, 4 महीना में, अब जान रहे परिस्थिति अगर खराब है तो 4 महीने बाद ही आए, लेकिन आज जाए, आज आएगा तो तुरंत एग्जाम लेगा, पास होगा, जिसका सिलेक्शन होगा जॉब होगा। इसलिए आप उसकी वेट मत कीजिए, आप मान लीजिए कि आ गया है, हम तैयारी करें और टेस्ट लगाएं, समझ में आ रहा है, मॉक टेस्ट में 80-85 आना शुरू हो जाए, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है, हम आपको शॉर्टकट समझ, उसके पीछे ध्यान मत दीजिए, लेकिन आएगा इतना 100% सत्य। साइकिल थोड़ी है जी किसी को बुला के चलवा ले जा, ट्रेन चलवाना, रेलगाड़ी, ट्रेनिंग देना पड़ता, पहले से तैयार करना पड़ता। बात समझ में आ रहा है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अगला सवाल में, जस्ट पूछा निम्न में कौन से धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, सबसे ज्यादा चोट सहने की क्षमता, हमने क्या बोला है, निम्न में से कौन से धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय,
महत्वर्धनीय, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना टारगेट रखिए लोको पायलट बन, एक डेढ़ साल में बन ही जाइए। तुरंत प्रोसेस नहीं होता है, सामान थोड़ी है मोबाइल, पैसा लेके गए खरीद लिए, फॉर्म भर दिए, जॉब हो गया, नहीं सर, ये एक प्रक्रिया है, उसके साथ गुजरना ही पड़ेगा। निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? चोट छंद, आघात वर्धनीय मतलब चादर बनाया जा सकता, इसी गुण के कारण धातु का चादर बनाया जा सकता, वो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सोना नहीं है ऑप्शन में, तो अर्जेंटम हम चांदी लेकर चलो, अर्जेंटम 47 इसका एटॉमिक नंबर, तो सबसे ज्यादा गोल्ड का होता है आघात वर्धिता, चादर बनाने की गुण, चोट झेलने की क्षमता। दूसरा नंबर में सिल्वर है, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर। हमने क्या बोला, गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम और कॉपर, गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम और कॉपर, गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम और कॉपर, याद रहेगा कि नहीं? अगले प्रश्न में चलो, नेक्स्ट प्रश्न, एक एक सवाल को समझिएगा। कहते हैं मनुष्य के नवजात शिशुओं को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। नवजात शिशु शिशु को कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है, कोलेस्ट्रम गैस प्रदान करता है, तो कोलेस्ट्रम से क्या मिलता है सर? बोला विकास के लिए आवश्यक तत्व मिलता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, निंद्रा मिलता है, विकास के लिए पोषण मिलता है, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम दवाई भी आता है सर। हमने बात किसकी की है, कोलेस्ट्रम का बात किया है। डेली 11 बजे क्लास होती है, जितने भी नए बच्चे हैं जिसको प्रॉपरली साइंस तैयार करना है, प्रत्येक दिन 11 बजे मेरे क्लास में आइए सर, आपको बेहतरीन क्लास मिलेगा, प्रत्येक दिन 11 बजे। हमने बोला है मनुष्य के नवजात शिशुओं को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, इससे डैश कोलेस्ट्रॉल, इससे इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। हमने क्या बोला है, रोग प्रतिरोधक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले सर, यदि सुधारात्मक लेंस की शक्ति प्लस 2D है तो यह क्या है? लेंस की शक्ति अगर प्लस 2D है, पूछा यह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेंस की शक्ति अगर प्लस 2D है तो किस तरह का लेंस होगा, लेंस की प्रकृति पूछा है, कौन सी प्रकृति का यह लेंस हो? अगर इसकी शक्ति 2D है तो लेंस की शक्ति अगर 2D है, 2D, तो यह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। देख अगर राइट साइड फोकल लेंथ है तो प्लस होता है, अगर लेफ्ट साइड है, साइन कन्वेक्शन आपने पढ़ा होगा, चिन्ह परिपाटी। अवतल लेंस का पावर हमेशा हम माइनस में दिखाते हैं, -2D -3D तो अवतल लेंस हो, +2D +3D +4D तो प्लस होगा, तो वो उत्तल लेंस, और माइनस होगा तो अवतल लेंस। प्लस और माइनस में ध्यान, क्योंकि इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होता है, इसका फोकल लेंथ राइट साइड, तो उत्तल लेंस होगा आपका करेक्ट आंसर, जो होगा उत्तल लेंस आपका राइट आंसर, यहाँ पे ए इज राइट आंसर। ये कितने लोगों ने उत्तर दिया था बताओ, करेक्ट है कि नहीं? ये नंबर याद हो रहा है सर, एक एक चीज आपको याद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं? अरे आयनिक यौगिक के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, आयनिक यौगिक जो धातु और अधातु से मिलकर बना होता है, उसका एक उदाहरण हम दे देते हैं आपको, NaCl। NaCl जो है एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक धातु और अधातु से जो मिलकर कंपाउंड बना होता है उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब ये स्टेटमेंट वाला सवाल, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होता है पूरे अच्छे तरीके से, वो स्टेटमेंट वाला जवाब बिल्कुल आराम से देते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए सर, आयनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से बनता है उसे आयनिक यौगिक कहा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है,
नमक कार्बनिक चीजों में नहीं घुलता, पेट्रोल में नहीं घुलता, डीजल में, आयनिक यौगिक कार्बनिक चीजों में नहीं, और कार्बन पानी में घुल जाए। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है पानी में घुलनशील, पेट्रोल में अघुलनशील, गुण नहीं है पूछा, गुण नहीं है। सवाल को जरा देखिए, कम गलनांक और क्वथनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका गुण नहीं। बी इज द राइट आंसर। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चे वो हाई होता है, ज्यादा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक यौगिक का होता है वो ज्यादा होता है, ठोस और मजबूत बिल्कुल होता है। कौन सा गुण नहीं है, बाकी ये तीनों इसके गुण है। नमक को पानी में घुलाइएगा घुल जाएगा, घुलता है कि नहीं नमक पानी, लेकिन पेट्रोल और डीजल में घुलाइएगा नहीं घुलेगा, केरोसिन में भी नहीं घुलता है नमक। कहते गाड़ी के इंजन में डाल दिया नमक खराब हो गया, काहे पेट्रोल से घुला ही नहीं नमक। बात समझ में आ रहा है, अब ऐसा कुछ कर मत दीजिएगा, एक बात बता, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए सर, अच्छे से आना चाहिए, समझ प्रॉपर वे में आपको समझ में आना चाहिए। अगले प्रश्न में चलिए, मनुष्य का अंतःस्रावी ग्रंथि है। अरे मनुष्य में दो ग्रंथि होता है, तुम्हारे शरीर में मनुष्य हो तो दो ग्रंथि होगा, एक अंतःस्रावी ग्रंथि एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, दो प्रकार की, दो ग्रंथि नहीं बोल सकते, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। चलो मजा आ रहा है कि नहीं सर, एक एक क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आ रहा होगा, सब काफी बेहतरीन प्रश्न और एग्जाम का पूछा हुआ सवाल ने पूछा है। मनुष्य का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का, दोनों शरीर के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई शरीर के बाहर ग्रंथि लटक रहा है, दोनों शरीर के अंदर ही होता है। बस समझ में आ रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, इन्हें कि कान को बाह्य स्रावी ग्रंथि कह दें, कहा बाहर है सर, अब ये कोई ग्रंथि नहीं। बात समझ में आ रहा है सर, स्टेटमेंट का क्लास। अरे ऐसे मिक्स क्वेश्चन आए तो तू स्टेटमेंट बनाओगे ना तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन रेलवे पूछता है तो 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला पूछता है, और तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर बड़ा ही दिक्कत देता है। तो यहां पूछा है मनुष्य का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लीवर, हार्मोन और एंजाइम दोनों, अब पीनियल ग्लैंड अधिवृक्क कहां पाया जाता है, लोकेशन भी पूछा जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड जो है ये है एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, प्यूट्रिटरी ग्लैंड आपको मस्तिष्क में, मास्टर ग्लैंड जिसके कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए शरीर में कौन सा ग्लैंड किधर है, आपका शरीर आपका बॉडी आपको पता ही नहीं है कि आपका ग्लैंड कौन कौन कहाँ कहाँ, काहे जॉब देगा आदमी आप। बस समझ में आ रहा है, एड्रिनल ग्लैंड जस्ट किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल ग्लैंड जस्ट किडनी के ऊपर, प्रोटेस्ट ग्लैंड अभी हमने दिखाया था कुछ क्वेश्चन पहले, यूरिन ब्लैडर के नीचे आपका प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है, कहा यूरिन ब्लैडर के नीचे। मेरा क्लास दो टाइम, एक 11 बजे हम पढ़ाते हैं एग्जामपुर मेन चैनल पर, यही क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन जो रेलवे ने आज तक पूछा है, और एक क्लास जो हमारा होता है वो 12 बजे होता है एग्जामपुर बीपीएससी पर, उस पर हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं 9th और 10th का, ये दोनों अगर आपने कर लिया तो साइंस आपका प्रॉपरली तैयार हो जाए। सर आप बिहार से हो, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कौन सा गैस चूने पानी को दुधिया बना दे, चूना पानी को दुधिया बना देता है। देखो कुछ बच्चे हैं सवाल का एक भी जवाब नहीं देगा, लेकिन कहेगा सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दीजिए, जवाब एक भी नहीं देगा, मतलब एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं देगा। ये वैसे लोगों में है, एग्जाम से आएगा ना, लगभग वही 3-4 को ही गलत किए हैं सर, बाकी 90-95 को बना दिए,
रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा 4 को ही सही हुआ था, 90-95 को गलत ही था इसका। तो हमने क्या बोला है जरा ध्यान से रखिए, हमने बोला दो, एक होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना, एक होता कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है बिना बुझा हुआ चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने पानी को दुधिया बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पानी मतलब बुझा हुआ चूना, अगर इसमें CO2 से रिएक्ट कराते हैं ना तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो CO2 इज द करेक्ट आंसर, राइट सर। थोड़ा जवाब, पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ये सवाल आपका पूछा गया है कि पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है एक बार चंद्रमा, तो किया गया कार्य चंद्रमा कितना वर्क करता है, चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य बताइए कि चंद्रमा जी ने कितना कार्य किया था। सौरभ नाथ, तो देखो हमने वर्क में बताया था, क्या बताया था, दो बात, कि वर्क में कब कब जीरो होता है, ये बात अगर ध्यान में होगा तो आप समझ पाएंगे। जब आपका फोर्स जीरो हो, जब आपका फोर्स हमने क्या बोला, फोर्स जीरो, बल जीरो, जब आपका मैंने क्या बताया बल जीरो हो तभी वर्क जीरो होता है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, सदिश राशि इसीलिए एरो लगा, तो भी वर्क जीरो होता है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वर्क जीरो होता है। और जब हमने क्या बताया है, जब कॉस थीटा का मान 90 डिग्री आ जाए तो भी वर्क जीरो होता है। तो चंद्रमा जब एक चक्कर लगाया पृथ्वी का, सर यह अर्थ है, ये चंद्रमा ने जब चक्कर लगाया तो जहां से शुरू किया था वहीं आ गया, तो यह विस्थापन जीरो हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क वहां क्या होगा, जीरो होगा। ये तीन कंडीशन में आपका जो है वर्क जीरो होता है, विस्थापन जीरो, ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके। तो यहाँ पे कार्य जो होगा वो शून्य हो, जीरो, कितना आसान सा उत्तर दे सकते। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा उपकरण रेडियो की हृदय की गति को नियंत्रित करता है? सॉरी रेडियो नहीं, रोगियों की हृदय की गति को नहीं, रोगियों की गति के हृदय को नियंत्रित करता है, रोगियों बताइए, पेसमेकर, कैट स्कैनर, ईसीजी मशीन, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, हृदय की गति को कौन नियंत्रित करता है भाई साहब, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। तो हृदय की गति को जो नियंत्रित करता है वो पेसमेकर, हृदय गति को नियंत्रित करने का काम करता है, ये कृत्रिम RRB JEE में सवाल पूछा 27/5/2019 का प्रश्न है, 27 तारीख को पांचवी महीने में 2019 में ये एग्जाम हुआ था। तो हृदय की गति को नियंत्रित करता है पेसमेकर, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अगला प्रश्न आपका क्या है, ये जगह देखिए, विद्युत आवेश की एसआई का, आवेश का एसआई मात्रा, वोल्ट होगा, कूलम होगा, एम्पियर, ये आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? हमने क्या पूछा है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, आवेश का, प्रतिरोध का आपका ओम होता है, विद्युत धारा एम्पियर हो गया, सब पता होना चाहिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, विभवांतर का वोल्ट, यह एक तरह का बैटरी ही है,
तो आवेश का आशय मात्रक होगा कूलम, विद्युत धारा का एम्पियर, चारों का चारों पता होना चाहिए, विभवांतर का वोल्ट, विभवांतर जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा बच्चे, वोल्ट होगा, वोल्ट, विभवांतर का क्या होगा वोल्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का ओम सर, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहां होता है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में जो विघटित होता है वो किस में, केंद्रक में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका द्रम या माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज टूटता है सर पाइरुवेट में वो कहां पर टूटता है, प्लासी के मैदान में टूटता है या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टूटता है या गांधी मैदान में टूटता है, हर शहर में एक गांधी मैदान है सर, जहां जहां महात्मा गांधी गए थे सब मैदान को गांधी मैदान बना दिया, बात समझ में, ये टूटता कहां है, ये साइटोप्लाज्म में टूटता है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्या कहा जाता है कोशिका का द्रव्य, साइटोप्लाज्म, डी नंबर नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाएगा, तुम भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। यह साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में ये पाइरुवेट में विघटित होता है। हमने क्या बोला है पाइरुवेट में टूटता है। जब आपकी तैयारी हो जाएगी तब भर्ती आ जाएगी, आप ही के लिए रुका हुआ, ये आपका ग्लूकोज है सर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और ये पाइरुवेट में टूटता है, पाइरुवेट में 3 जोड़ी कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलें सर, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हमने क्या बोला नाइट्रोजन परमाणु में पूछा है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाइट्रोजन, बताओ सर, न्यूट्रॉन पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में भी भरते हैं ना, गाड़ी के चक्कों में भी नाइट्रोजन ही भरा जाता है ये नहीं भरा जाता, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो कितना होता है 7 होता है, जड़ नंबर 7, एटॉमिक मास 14 होता है नाइट्रोजन द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन बराबर होता है n इक्वल टू होता है a माइनस z, मतलब 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 ही होगा, नाइट्रोजन के साथ 7 का चक्कर है, वायुमंडल में भी 70% पाया जाता है 78% नाइट्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी साथ ही होता है, प्रोटॉन भी साथ ही होता है, न्यूट्रॉन भी साथ ही होता है, इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है वो भी साथ ही है 78%, 7 का चक्कर है नाइट्रोजन को, ठीक है। आप लोग डेली रेगुलर जो क्लास नहीं करते हैं वो सब लोगों से रिक्वेस्ट है सर, प्रत्येक दिन आप 11 बजे आइए, शानदार तरीके से बेहतरीन सवाल को कीजिए, 1 घंटा 3 महीने तक आपको ये दवाई चलेगा सर, 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा हाँ हम भी विज्ञान में कुछ बातें सीखने लगे, हम भी चीजों को सीखना शुरू कर दिए। अगला सवाल, डैश के मांसपेशियों में संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चों का जन्म होता है, गर्भाशय ग्रीवा कार्बिक्स में, डिम्बवाहिनी ओविडक्ट में, या यहाँ पे आपका यूट्रस होगा या फिर आपका जो है वैसाइना होगा, बताइए
इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए। एक बार हमने पूछा डैश के मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन से परिणाम स्वरूप बच्चों का जन्म। सी नंबर आंसर आया, बी नंबर, सी नंबर। गर्भाशय, यूट्रस, कार्बिक्स, डिंब वाहिनी, वजाइना। देखो इस तरह के ये ग्रुप डी का सवाल है सर, हम कहीं से बिना मतलब का सवाल लेके नहीं नहीं आते, और ये एनसीईआरटी का है। देखो पूछा डैश के मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन, तो यहां पे किसमें संकुचन होता है, तो ये आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत लोग डी नंबर, बहुत लोग सी नंबर बताया, गर्भाशय। जस्ट वन, कार्बिक्स क्या है सर, यहां पे आपका डिंब वाहिनी और योनि तो होगा नहीं, और आपका कार्बिक्स होगा नहीं। यूट्रस में जो है संकुचन होता है, यूट्रस में जिसमें बच्चा पल रहा होता और उसके बाद बच्चे बाहर आते, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा यूट्रस ही राइट आंसर। कार्बिक्स एक लॉक होता है, एक बच्चों के जन्म के टाइम ये टूटता है कार्बिक्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला सवाल है, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। सफेद दाग का इलाज किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है, सफेद दाग का इलाज। हमने क्या प्रश्न पूछा है, सफेद दाग का इलाज जो है तो यहां पे आपका होगा क्या, सफेद दाग का लुकोसिन आपका करेक्ट आंसर है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग की पहचान, प्रोटीन के अभाव से होने वाला रोग, प्रोटीन के अभाव से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन के अभाव से। प्रोटीन के अभाव के कारण होने वाला रोग हमने पूछा है। प्रोटीन के अभाव से जो होने वाला रोग है सर, या ध्यान से, प्रोटीन के अभाव स्कर्वी रोग, बेरी बेरी होगा, रतौंधी होगा, या क्वस्या को, डी नंबर आपका करेक्ट है। प्रोटीन के अभाव से होने वाला रोग जो है ये क्वस्या को, प्रोटीन के अभाव, क्वस्या प्रोटीन से पीड़ित बच्चा, आपने देखा होगा सलम क्षेत्र, पेट बड़ा सा हो जाएगा, मुंह और हाथ सब सूख जाएगा सर, ये प्रोटीन के कमी के कारण, क्या ये नहीं आना चाहिए, लिखता है नो आइडिया, कौन क्या चीज का आइडिया है। विटामिन के अभाव के कारण होने वाला रोग, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, पेट बड़ा सा हो जाएगा, हाथ पैर एकदम सूख जाएगा, ये प्रोटीन की कमी का। तो यहां पे क्वाशा या आरआरबी जेई में पूछा, रतौंधी जो है विटामिन ए के अभाव के कारण होता है ब्लाइंडनेस, बी वन बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, बात समझ में। क्विक सिल्वर किसके किसे कहते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, व्हाट इज क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर सर किसे कहा जाता है, मैंने सवाल पूछा है कि क्विक सिल्वर, टाइटेनियम को, मरकरी को, प्लेटिनम को, या रेडियम, क्विक सिल्वर किसे कहा, तो क्विक सिल्वर जो है सर ये आपका ग्रुप डी का है, पारा या मरकरी को जो है क्विक सिल्वर, प्लेटिनम क्या है,
सब लिस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम अभिक्रिया व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, प्लेटिन। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लेटिनम, दैट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। प्लेटिनम को क्या कहते हैं बच्चे? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड जो है, यह प्लेटिनम को हम लोग व्हाइट गोल्ड ही कहते हैं। बहुत महंगा है सर, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा होता है प्लेटिनम। अगले प्रश्न में चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? पूछा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। आहा, कितना प्यारा सा सवाल है। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का नाम पूछ रहा है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हमने क्या बोला है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो डाइहाइड्रेट मतलब जल के दो अणु होते हैं, CaSO4 × 2H2। जल के दो अणु पाए जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट एक होता है हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × ½H2। जल के आधे अणु पाए जाते हैं हेमीहाइड्रेट। हमने क्या बोला है? CaSO4 × ½H2। एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा है वो थोड़ा ज्यादा परेशान है। ये हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दिया, हमने ये क्या बताया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक दो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आया? पीओपी, इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½। तो जल के अणु वाले भी सवाल पूछते हैं। जिप्सम केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, इसको हम लोग हेमीहाइड्रेट, इसको हम लोग डाइहाइड्रेट। अगले प्रश्न, पुरुष के वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है, स्टेटमेंट वाला सवाल। कहां गए राहुल जी? भाई कोई भी चीज का कमेंट करने का लिमिट होता है, लगातार कर रहा है, कर रहा है, उसको और कोई काम नहीं है ना, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे, उसको सिर्फ अगले को डिस्टर्ब। जस्ट वन मिनट वेट। पुरुष के वृषण कोष में शरीर से बाहर क्यों होता है? क्लास के बाद देख लेंगे। हमने क्या बोला है? जरा ध्यान से देखिए। तो पेट के भागों पर पाए जाने वाला विशेष ऊतक के कारण शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर की तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। जो आपके शरीर में स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, वो आपके बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए टेस्टिस जो होता है वो शरीर के बाहर होता है। सब कुछ का जगह था, उसका भी जगह हो जाता है, ये टेस्टिस जो है शरीर से बाहर हो जाता है। काहे कि टेस्टोस्टेरोन जो बनता है, आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे कम टेम्परेचर चाहिए टेस्टोस्टेरोन बनने के, ठंडे के दिन में ऐसे ही ज्यादा बनता है टेस्टोस्टेरोन। बात समझ में आ रहा है? पूरा फंक्शन जो है भगवान जी सोच समझ के बनाए, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब ये सब सवाल जब पूछेगा एग्जाम, पूछा गया प्रश्न, मेरा मन का कोई सवाल नहीं, हम ओरिजिनल प्रश्न ही कराते हैं सर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं? एसआई जो है एनटीपीसी का सवाल,
फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर का पास्कल होगा, इलेक्ट्रिक कंडेंसेंस का सीमेंस। कौन सा सुमेलित नहीं है सर, कौन सा सुमेलित नहीं है, सही तरीके से मिला हुआ नहीं है। एक एक क्वेश्चन को क्लियर ही करना ज्यादा जरूरी है। और इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा सर। बाकी हम लोग मिलते हैं, डेली हमारी क्लास 11 बजे होती है, प्रत्येक दिन 11 बजे। आप 2-3 महीने तक करके देखिए, आप जब टेस्ट लगाएंगे हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे क्या करना है नहीं करना। और दूसरी बात, बहुत जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ सकते हैं, PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत जल्दी उसमें क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए सब जानकारी हम क्लास में देंगे कल 11 बजे। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए 11 बजे वाली क्लास में। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत समस्या, और जो कोर्स लेना चाहते हैं वो LP का बैच भी है अपने पास, एग्जामपुर एप्लीकेशन पर आप जाके कोर्स भी ले सकते हैं, उसमें ट्रेड फिटर सारे चीज आपको मिल जाएंगे। LP की प्रॉपर तैयारी, बहुत हजारों बच्चे उस पर तैयारी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और मंडे टू सैटरडे तक उसकी क्लास एप्लीकेशन में चलता है, तो ओके। और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और ऐसे ही आइए और मेहनत कीजिए। कहते हैं मेहनत का दूसरा विकल्प कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है वो है आपका मेहनत बस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल 11 बजे।